मुरैना में पुरानी रंजिश को लेकर एक दर्जन लोगों ने प्राणघातक हमला बोला। सभी हमलावर अवैध हथियारों के साथ 5 बाइकों पर सवार होकर आए थे। पोरसा थाना क्षेत्र के रेपुरा गांव की घटना है ये। गांव निवासी नंदलाल सिंह भदौरिया के घर आए थे एक दर्जन हथियारबंद लोग। घर में बनी दुकान तथा घर पर ताबड़तोड़ फायर की। जान बचाकर घर में पूरा परिवार दुबक कर घुस गया। आज शाम 6 बजे की यह घटना बताई जा रही है। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। तलाशी के दौरान पुलिस को आरोपी गणों के 2 मोबाइल मिले। मौके से चले हुए आधे दर्जन से अधिक 315 बोर के खाली खोके पुलिस ने जब्त किए। पीड़ित परिवार को पुलिस थाने लाए, आरोपी गणों पर मामला दर्ज करा और कार्यवाही चल रही है। पीड़ित के अनुसार उसने आरोपी गणों को रेत माफिया बताया है। क्या नाम आपका? नंदलाल भदौरिया, रेपुरा। सर जे का नाम है रेत माफिया है, नक्सलवादी हैं, जे आतंकवादी हैं। इनको जे कारोबार है कहीं गोली चलाना, लूटपाट करना है। हमारा छोटा भाई काउंटर पे बैठा, उसने आके अंधाधुंध फायरिंग करी है। एक दर्जन से ज़्यादा लोग थे, ये लोग हर लोग के पास, इनके पास हथियार थे सब लोगों के पास, और एक दर्जन से ज़्यादा ने गोली चलाई है। इसमें अटल बिहारी, सोनू, मोनू, धर्मेंद्र और का नाम अंकुशा और अज्ञात लोग और हैं उनके साथ में, और इन अंधाधुंध गोली चलाएंगे। विवाद हमारा जो पहले को जो तई से लेकर के जो विवाद हुआ था, उसमें FIR अति महुआ थाने से उसके दबाव देने के लिए ने हमारे पास दबाव फायरिंग से राजीनामा कर लूँ या मार डालेंगे जान से, राजीनामा नहीं करेगी तो। ये आज शाम के 5:30-6 के करीब। मुरैना से देवेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट।